तो गई खतरा। नीचे देखो, यहां से गिरोगे वो जालियों में जाके पड़ोगे। हेलो चार्ली का वेलकम करता हूँ। आज हम पता नहीं कौन से ऊबड़ खाबड़ इलाके में, हमारी बस खराब हो गई है, ये सारे बस से बाहर निकल गए हैं। ये हमारे भाई साथ में, भाई हेलो कर दो। हेलो। हाँ भाई, आपका नाम क्या? हर्ष। हाँ भाई का नाम हर्ष है। भाई भाई के लिए कमेंट कर दो। बाकी हम आपको आके दिखाते हैं हम कहाँ पे आए हैं। ये भाई हमारे साथ में है, हमारे प्रिय मित्र। ये भैया भी साथ हैं हमारे। ये भैया भी मस्त बनते हैं। ये राप गाँव तो बोई में बोलते हैं हर किसी को। बाकी आके दिखाते हैं हम आपको कहाँ जा रहे हैं। वो थोड़ा सा सरप्राइज रखा मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जा रहे हैं हम, कहाँ पे हैं। बताना चाहता हूँ आज हम आए हैं कहाँ, आज हम कहाँ पे आए हैं। सर आप बताओ आज हम कहाँ पे आए हुए सर, बताएंगे। आज हम आए हैं देवी पिंडी। हाँ तो जो भी जम्मू आएगा एक बार पक्का विजिट करे देवी पिंडी आके, बहुत ही अच्छी जगह। हम आपको दिखाते हैं ट्रैक आके कैसा है। ट्रैक कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप यहाँ पे आओगे, ट्रैक कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आपको ये साथ चलता जाएगा, ये पानी छोटा सी नहर जैसी, बस आपको इसके साथ जाना ऊपर तो आप पहुंच जाओगे। आगे हम आपको दिखाते हैं आगे। ओके देख सकते हो ट्रैक कितना अच्छा है, ये देख सकते हो यहाँ से ट्रैक नीचे से शुरू है। और ये पानी काफ़ी ठंडा है, बस आपको इस ट्रैक के साथ चलते जाना है। ये हमारे हीरो भाई सिंह इज किंग, व्लॉग में ये भी आया मिलने के लिए। ऐसा व्यू है, मेरे भाई भी आ गए साथ। आई एम बिग फैन। आगे दिखाता हूँ आपको जो सही जगह आती है। यहाँ पे तो फिलहाल सेम वैसा ही रूट है जैसा पीछे था, आगे का आपको गाइस आगे दिखाता हूँ सबको। ये पाइप जैसी चलेगी तो व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे गाइस आओगे ना तो ध्यान से चलना, क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स वगैरह बहुत होते हैं, बिच्छू वगैरह भी होते हैं। यहाँ पे ध्यान से चलना। ये देख सकते हो यहाँ से ऊपर जाना, ट्रैक काफ़ी अच्छा है। मैंने सबको पीछे छोड़ दिया, मैं आगे आ चुका, आगे आ गया हूँ मैं। तो आपको आगे का दिखाता हूँ, अगर कोई मुझे अच्छी चीज़ लगती है जो दिखानी चाहिए, नहीं तो पहुँच के दिखाऊँगा मैं आप सबको सीधे। गाइस कितना सही वेदर है ये देखो। यहाँ पे ध्यान से चलना जो भी आएगा। ये ट्रैक ये देखो ऊपर तो गई खतरा, नीचे देखो यहाँ से गिरोगे वो जालियों में जाके पड़ोगे और ऊपर पता नहीं आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप छोटे हो, गार्डियंस के साथ आना, अकेले हो तो ध्यान से चलना, देख ही लिया होगा आपने। गिर सकते हो, गिर जाओगे तो आई डोंट नो अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितना चला होगा अभी तक, बट हाँ अपने ग्रुप में मैं सबसे आगे हूँ, बाकी सब पीछे रह गए। नीचे आवाज़ें आ रही हैं कुछ। गाइस वाह कसम से क्या व्यू है। अब ना मैं आपको पहुंच के दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो चलो आगे दिखाते हैं पहुंच के, जैसे मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे मेन लोकेशन जो अपनी से दिखाऊंगा बिल्कुल लोकेशन पहुंच के। बट थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ है तो मैंने कहा दिखा देता हूँ। यहाँ से लोकेशन कुछ ऐसी है, ट्रैक यही है अपना, पीछे देख सकते हो।
ट्रैकिंग के लिए मतलब मस्त जगह है, मज़ा आ रहा मेरे को तो। मेरे को ना अकेला रहना पसंद है, पीछे बहुत सारे लोग थे, बहुत शोर था, तो मेरे को अकेला एंजॉय करना ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देख रहे हो, आई डोंट नो कैसा दिख रहा, देख सकते हो लोकेशन इतनी सही है। बीच बीच में मैं दिखाता रहूँगा, अगर मुझे कोई अच्छी लोकेशन लगेगी दिखाने वाली तो मैं दिखाऊंगा। ये देखो स्लाइडिंग्स होती है ना, तो ये बैरियर्स लगाए हुए हैं बचाने के लिए। तो इसके एक सजेशन देता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे ज़्यादा देर तक कभी नहीं रुकना, निकल जाओ, क्योंकि कभी भी नीचे आ सकता है। ज़्यादा बड़ा पत्थर स्लाइड हो गया तो समझ सकते हो आप आगे क्या होगा। व्यू तो काफ़ी अच्छा है यार, मतलब इधर थोड़ा, और सर्दियों के मौसम में अगर इंसान आए ना तब मज़ा आएगा यार चाय पीने का, कसम से। ध्यान से चलना पड़ेगा, गीला कर दिया मेरे को। मंदिर फोन छुपा लेते के, अगर आपने देखी होगी आप में से किसी ने तो मेरे को पता है किसकी याद आई, स्ट्रेंजर थिंग्स की याद है, जब एडी भाग के जाता है रॉक के नीचे होता है, स्टीव जाता है उसको ढूंढने। यहाँ से पानी भी आ सकता है ऊपर से, ऐसे ये पानी का ही है, मुझे मेरा एक्शन कैम लेके आना चाहिए था, सर पे हेलमेट की तरह लगा के आपको यहाँ पे रनिंग करके दिखाता, बट हाथ में पकड़ के ना वो वाइब नहीं आ रही मेरे को, चलने में मज़ा नहीं आ रहा, मतलब फिर भी मैं आप सबके लिए दिखा रहा हूँ। अच्छा तो आएगा फिर, ये क्या शॉप जैसी होगी कोई, आई गेस स्टेयर्स, चेयर्स पड़ी है यहाँ पे, लग रहा है यहाँ पे ऐसे ना छोटी छोटी शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं। ये व्लॉग माइट भी लंबा हो सकता है, पर आप सबको दिखाना है तो करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे घर भी हैं बंदों के, यहाँ के लोकल्स, वो मुझे अपने टीम के कोई बंदे नहीं दिख रहे, वो दूर पे मुझे एक दो बंदे दिखे हैं, वो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं वो। अब कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है फिर दिखाऊंगा, मैं दिखाते रहूँगा आपको गाइस, तो देखते रहना। ये कुछ ऐसी जगह मेरे को दिखी भाई, एकदम मस्त पानी है यार, मैं रुक गया यहाँ पे, आई डोंट नो आगे कितना ऊपर है, मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो नज़ारा तो काफ़ी अच्छा। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बाकियों के लिए, क्योंकि इससे आगे मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हो गया, दो रास्ते हैं, आई डोंट नो कहाँ से कहाँ तक है, देखते हैं। अगर वो यहाँ पे नहाएंगे सब तो मैं भी नहा लूँगा, लेट्स सी कब तक आते हैं सारे, मैं तो काफ़ी देर का पहुँच चुका हूँ। चलो मैं यहाँ बैठा हूँ ऊपर, वेट करते हैं सबका, मेरा मन किया नीचे आने का तो मैं नीचे आ गया हूँ। काफ़ी ठंडा पानी है, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं जाऊँ नहा लूँ, देखता हूँ, वेट कर रहा हूँ गाइस बाकियों का। अगर वो यहाँ पे नहाएंगे तो मैं भी नहा लूँगा, अगर ऊपर जाना होगा मैं तभी नहीं कर रहा, नहीं तो वापस कपड़े डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये कपड़े गंदे नहीं कर सकता, पहन के क्या जाऊँगा। बाकी गाइस पानी बहुत ठंडा, कसम से एकदम ठंडा पानी है। चलो वेट करते हैं सबका, आए हुए आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है, लगता है मैं अकेले ही सबसे आगे आ गया हूँ। भाई कितनी धीरे चलते हैं यार ये, इतनी देर में वापस भी चले जाता, अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा कोई, मैंने पीछे देखा था सारे। चलो देखते हैं कब आते हैं, फिर दिखाऊँगा अगर आएँगे, मेरा तो बहुत मन कर रहा है, थोड़ी देर वेट करूँ, अगर आया कोई आया नहीं तो मैं चला नहाने, क्योंकि भाई व्यू
दिखाया मैंने आपको कितना सही है। चलो देखते हैं, वेट करते हैं। हमने भाइयों ने यहाँ पे नहा लिया, ये सारे ये भाई अपने साथ हैं और ये अभी ये नहा रहे हैं भाई। कुछ मैंने बोला था आपको मैं वेट नहीं कर रहा, बस वेट कर रहा हूँ तो कोई आ जाए तो डाइव मारूंगा। जैसे ही आया मैंने बोला भाई नहाओ चलो कपड़े उतारो तो घुस जाओ, गर्मी बड़ी लग रही थी। तो भाई बोलते चलो अब आते वक्त देखेंगे, तो आपको आगे दिखाते सीधे मेन जगह जहाँ हम आए हैं। ये सारा मंदिर है। अगर आप वैष्णो देवी आते हो तो यहाँ पे पक्का विज़िट करो, क्योंकि कहा जाता है माता यहाँ पे भी रहे थे, तो यहाँ पे पक्का विज़िट करो। जो भी देख रहा, जो जम्मू आने की सोच रहा बाहर का, यहाँ पे पक्का विज़िट करना। व्यू कुछ ऐसा गाइस, ये भाई लोग अपने ये भाई घर से खाना भी लेके आए हमारे लिए, हाँ पौष्टिक चीज़ें लेके आए भाई हमारे लिए। गाइस यहाँ पे आओगे ना गंद नहीं डालना, बस बाकी सब ठीक है। ओके घर के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे बारिश होने वाली है, मौसम बिल्कुल ज़्यादा बन गया होने का, कोई पता नहीं कब हो सकती है भाई। और मैंने बोला हमने प्लान किया है चलो कलाड़ी कुलचा खाएंगे, बस उसके बाद जा रहे हैं। भाई कैसा लग रहा मौसम? बहुत बढ़िया भाई, को तो बड़ा मस्त लग रहा है। अभी हम सबसे आगे, अपनी टीम सारी पीछे है, मैं आते वक्त भी सबसे आगे था अभी भी। चलो अब कलाड़ी कुलचा खाते हैं जाके, वहीं पे मिलते हैं आपको। भाई बोल रहा था कि चाय पीते हैं, तो हम चाय पीने के लिए रुके थे और साथ में सोच रहे हैं कि मैगी वगैरह भी खा लें, तो आपको दिखाते हैं किसके पास रुके हैं। मैगी खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, कभी भी आओगे तो इनके पास पक्का आके मैगी वगैरह खा के जाना। अभी सभी स्टिंग ली है, ये छोटा भाई मिला हमें एक, तो आपको मैं पीछे का वेदर दिखाता हूँ एक बार, देखना क्या ही मतलब मैं बता नहीं सकता, एक बार खुद चेक करो भाई। कसम से मतलब फ़ोन में इतना नहीं दिख रहा होगा जो हमें लाइव दिख रहा ना, मतलब अलग ही वाइब है यार। यहाँ पे पक्का विज़िट करना देवी पिंडी जम्मू में, अगर वैष्णो देवी आओगे तो यहाँ पे पक्का विज़िट करना एक बार। अब हम ट्रैक करके पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से नीचे 100 मीटर का ही होगा रास्ता। तो मैं सोच रहा था व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, तो अगर आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। थक गए, बाय बाय।